हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो हर कुछ डिकेड्स में आती है, और वी आर लकी कि हम ऐसा रेवोल्यूशन देख रहे हैं, ऐसा रेवोल्यूशन टाइम में है कि अगर हमने सही समय पर सही स्टेप लिया तो आने वाले 10 साल और इनफैक्ट आने वाले नेक्स्ट 20 साल हमारे लिए इतने फ्रूटफुल हो सकते हैं कि जो हमारा मिशन है टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय 2030 वो हमारा सक्सेसफुल होए। और जैसे चंद्रयान 3 अभी सक्सेसफुल हुआ है, वैसे ही हम इसको कहेंगे चंद्रयान 5 मिशन। तो जो हमारा विजन है टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय 2030 एंड हैव अ करोड़पति पोर्टफोलियो, तो ये मौका नहीं मिस करिएगा सुनने का। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़रूर अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जो भी वेलबींग है जिनके लिए आप अच्छा चाहते हैं, उनसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी भी ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूँ आपका दोस्त अमित, आई एम अ सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो दोस्तों, हम जो डिकेड की बात कर रहे हैं, आप सोचिए 1996 से लेके 2005 तक का एरा, जो कि आईटी के लिए एक बहुत ही बड़ा बूम था। तो इमेजिन करिए, और वो जो एरा था वो चला ऑलमोस्ट 25 साल, अभी तक चल रहा है, अब सैचुरेशन आ चुका है, लेकिन 25 से 30 साल चला। तो इमेजिन करिए, अगर उस इनिशियल टाइम पे 1996 टू 2005 में अगर आपने अच्छे आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता, जैसे इंफोसिस या TCS, जो मात्र 50 से 100 रुपये के अंदर थे उस समय, अगर आपने उस समय इन्वेस्ट किया होता उन स्टॉक्स में, क्योंकि वो उस रेवोल्यूशन का बूम था, वो इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिकेड्स थे, जो कि उस समय लोगों को रियलाइज नहीं होता है, तो आज उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या होती। तो देखिए, हमारे सामने इन्फोसिस का चार्ट है, और 1998 में इन्फोसिस का प्राइस था तकरीबन 8 रुपये। तो 1998 में जो 8 रुपये था और आज का प्राइस है 1873, तो अगर आप देखें कि कितना परसेंट रिटर्न मिला, तो ऑलमोस्ट 264,702% रिटर्न मिला है पिछले ऑलमोस्ट 25 साल में। सिमिलरली, अगर हम TCS की बात करें, तो TCS का 2006 में क्या रेट था, 2006 में 180 रुपये का तकरीबन, और आज रेट है 3500 रुपये। तो कितना मिला, ऑलमोस्ट 2600% रिटर्न। तो हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफ डिकेड आती है, तो उस समय अगर सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट किया हो तो उसका लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट मिलता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। जी हाँ, तो वैसे ही अब जो हम बात करेंगे, जो आने वाला रेवोल्यूशन है, दैट इज सेक्टर ऑफ द डिकेड रहेगा, या सेक्टर ऑफ द कमिंग 3 डिकेड्स बोलें तो रहेगा ईवी व्हीकल्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और देखिए, ये तो हम लोग सभी जान गए हैं कि जो ईवी व्हीकल्स ने अपना मार्केट में एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर लिया है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब उसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रोथ आनी है विद एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि रिवाइज बैटरीज हो गई या हाइब्रिड सॉल्यूशंस हो गए व्हीकल्स के, या फिर चार्जिंग स्टेशन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है, अब ग्रोथ प्रॉपर होनी है। तो जो कुछ स्टडीज़ और रिसर्च पेपर्स बताते हैं, और जो गवर्नमेंट का भी एक फोकस है, कि 2021 में जो मार्केट साइज था वो इंडिया में था 1.45 बिलियन का मार्केट था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जो कि प्रोजेक्टेड है टू बी 113.99 बिलियन इन 2029। तो आप सोच सकते हैं 1.45 बिलियन से 113, ऑलमोस्ट 114 बिलियन बाय 2029। तो इसका एनुअल ग्रोथ रेट क्या रहेगा, 66.52% CAGR रहेगा। और ये जो एम है, ये केवल मार्केट का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी एम है, टू हैव 30% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030, जिसमें वो क्या कहते हैं कि 30% ऑफ प्राइवेट कार्स, 70% ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एंड 80% ऑफ टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स बाय 2030
टू डीकार्बोनाइज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये गवर्नमेंट का मिशन है और यही मार्केट की व्यू है। तो ये सही टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है एक स्ट्रेटजी के लिए टू क्रिएट अ करोड़पति पोर्टफोलियो। और हम लोग बात करेंगे 2030 में कि ये पोर्टफोलियो आपका कहाँ से कहाँ पहुँचा, इसने आपको करोड़पति बनाया नहीं बनाया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आगे बात करें और अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हर जना इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सके। और जब आपकी सराउंडिंग प्रॉस्पर करेगी तो आप भी प्रॉस्पर करेंगे। तो ये तो हमने बात करी मार्केट साइज़ की और मार्केट का प्रोजेक्शन का। तो एक हमने जो प्रोजेक्शन की बात करी कि जिसमें CAGR 66.52% का ग्रोथ रहेगा इंडस्ट्री का, तो हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन में देखते हैं कि अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपये किसी ने इन्वेस्ट किए ईवी सेक्टर में अगले 9 साल के लिए, और एस्टिमेटेड CAGR क्या है मार्केट का 66.52 जो इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, तो उस 1,00,000 की वैल्यू आने वाले 9 साल में होगी 98,44,000। जी हाँ, 1,00,000 की वैल्यू होगी 98,44,000 विद CAGR ऑफ 66%, जो कि इंडस्ट्री का ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। और ये जो पीरियड रहेगा 10 साल तो टारगेट है फॉर इमीडिएट टारगेट्स, लेकिन ये चलेगा नेक्स्ट 25 टू 30 इयर्स टू कम्प्लीटली रेवोलुशनाइज द ट्रांसपोर्ट मार्केट, ऑटो मार्केट एंड ऑटो एंसिलरी मार्केट। तो ये ईवी से रिलेटेड सेक्टर्स बहुत ही क्रूशल हैं, और हमारा एक पोर्टफोलियो ऐसा बनना चाहिए जिस पोर्टफोलियो में हम जो भी मनी इन्वेस्ट करें उसको हम छोड़ दें अगले 10 से 15 साल के लिए। हम स्टॉक्स रिप्लेस कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उसे उसी डोमेन के दूसरे सेक्टर से रिप्लेस करें, लेकिन इन्वेस्टेड रहें इस पोर्टफोलियो में, इस सेक्टर में, ताकि जैसे IT का बूम का बेनिफिट हमने देखा अगले 25 साल में, वैसे ही इस सेक्टर को भी हम उठा सकें। तो दोस्तों, अब क्विकली बात करेंगे ईवी सेक्टर की, कि ईवी सेक्टर कैसे स्प्लिट है मार्केट में और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमें फोकस रहना चाहिए। और दोस्तों, आपने अगर अभी भी चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड काइंडली शेयर एंड कमेंट कि क्या आपका ऑलरेडी कुछ पोर्टफोलियो है ईवी सेक्टर में या नहीं। तो दोस्तों, ये एक टेबल है जिसमें ऑल रेलिवेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करेंगे। तो क्विकली बात करते हैं ईवी सेक्टर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, कौन कौन से डोमेन हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो टू व्हीलर्स, सबसे प्राइमरी जो मार्केट पिकअप किया वो टू व्हीलर्स का ही किया ईवी में। उसके बाद रही ईवी बैटरीज, क्योंकि बैटरी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, तो बैटरीज सबसे, और अभी भी इसमें R&D चल रही है, रेवलाइज होना है बैटरीज पे, अभी भी न्यू इनोवेशंस आने हैं जो कि डेफिनेटली आएंगे विद टाइम। तीसरा कंपोनेंट है चार्जिंग स्टेशंस। अगर ईवी व्हीकल्स होंगे तो हमें इंफ्रा भी इक्विवेलेंट चाहिए, जैसे हमें हमारे पेट्रोल पंप्स हैं अभी, वैसे ही करंटली चार्जिंग स्टेशंस अपार्टमेंट्स के अंदर, आपके पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग स्टेशन अब हम थोड़ा थोड़ा देखने लगे हैं, सिटीज़ के अंदर चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल होने लगे हैं, लेकिन अभी भी जैसा हमने ग्रोथ रेट देखी जो प्रोजेक्शंस मार्केट का है 113 बिलियन का, तो 113 बिलियन के हिसाब से चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए, राइट। तो चार्जिंग स्टेशन बहुत बड़ा एक उसका पार्ट है। तीसरा है ईवी की ऑटो एंसिलरी कंपनीज, जो ईवी OEMs को कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगला सेक्टर है इलेक्ट्रिक बसेस। जी हाँ, तो इलेक्ट्रिक बसेस एक कंप्लीट सेगमेंट है, जैसे जैसे गवर्नमेंट का फोकस बढ़ेगा कार्बन फ्री ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ, वैसे वैसे ही जो भी हमारे शहरों में बसेस हैं, और हमने देखा कि बड़े शहरों में दिल्ली, बेंगलोर और काफ़ी महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं कंपनीज को फॉर प्रोवाइडिंग एंड रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स बाय इलेक्ट्रिक बसेस। तो इलेक्ट्रिक बसेस का बहुत बड़ा सेगमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। और आखिरी है इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे ऑटो का मार्केट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में स्पेसिफिकली SUV मार्केट्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स की। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के, और हमें जो हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए वो हर इस कंपोनेंट के अंदर इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो आप जो भी पोर्टफोलियो बनाएं जितने भी अमाउंट का, उसको 6 कंपोनेंट्स में इक्वली स्प्लिट करें,
ताकि हर सेक्टर का जो बेनिफिट है आपके पोर्टफोलियो को मिल सके, और ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर मूव कर रहा है या एक पर्टिकुलर डोमेन मूव कर रहा है ईवी सेक्टर का, दूसरे में बेनिफिट ना उठा पाए कि हर कंपोनेंट में कौन सा वो शेयर है जो हमें, अब देखिए क्योंकि टोटल ये 17 शेयर्स हैं, तो टोटल 17 शेयर्स में तो इन्वेस्टेड रहना आई विल नॉट प्रेफर। तो इसके अंदर हर कंपोनेंट के अंदर कौन सा वो स्टॉक है, कौन सी वो कंपनी है जिसके अंदर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ग्रोथ दिखाने की बेस्ड ऑन द करंट मैनेजमेंट और करंट फंडामेंटल्स। टू व्हीलर्स में हमने देखा हमारे पास 3 कंपनियां हैं जो बहुत ही अच्छा अपना फोकस कर रही हैं। इस फोटो में क्या हुआ, Q4 जो हमारा Q4 था 2023 का, वहाँ पे 0.43 लाख यूनिट्स सेल हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की TVS की, कंपेयर टू 0.06 लाख यूनिट इन मार्च 2022। तो आप देखेंगे मार्च 2022 से मार्च 2023 में ऑलमोस्ट 7 टाइम्स का इंक्रीज आया फॉर ईवी। तो इसका मतलब कि कंपनी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा अपनी व्यू फॉर ईवी सेक्टर बना के और अच्छी ग्रोथ उन्होंने एक साल के अंदर प्रोजेक्ट करी। और जो उनका TVS iQube है, जो उनका इलेक्ट्रिक सेगमेंट की व्हीकल्स हैं, उन्होंने 17,000 व्हीकल्स बेचे कंपेयर टू 2,600 इन लास्ट ईयर इन मे। तो आप ग्रोथ कंपेयर कर सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ ऑलमोस्ट 7 टाइम्स बड़ी है, और करंटली TVS 20% मार्केट शेयर होल्ड करता है EV इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स का। क्विकली बात करते हैं कि इन 3 कंपनीज इन टू व्हीलर सेक्टर कौन सी वो कंपनी है जो ज़्यादा हमें बेहतर लग रही है फॉर इन्वेस्टमेंट इन टू व्हीलर सेगमेंट। तो दोस्तों, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, जैसे हमने देखा कि TVS मोटर्स ने बहुत अच्छी ग्रोथ लास्ट ईयर में शो करी और थोड़ा सी वैल्यूएशन इसके महंगे हो गए हैं, अब 44 की PE पे अवेलेबल है तो 44। लेकिन अगर आप देखें कि उसका क्वार्टरली प्रॉफिट और क्वार्टरली सेल्स दोनों ही अच्छे परसेंट से इंक्रीज हुए हैं, 46% क्वार्टरली प्रॉफिट और क्वार्टरली सेल्स 23% से इंक्रीज हुई है, और दोनों का और जो ROE है और ROCE दोनों का अच्छा है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि डिविडेंड पे आउट का 17% है, तो मतलब 17% ये डिविडेंड पे कर रहे हैं, बाकी जो 83% है वो कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहे हैं मे बी फॉर इनोवेशन और R&D, जो कि हमने न्यूज़ में देखा कि कैसे इनके फिगर्स ग्रोथ में आई। TVS मोटर टू व्हीलर सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छा नज़र आता है। मर्करी ईवी टेक की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इसका देखिए मार्केट कैप 574 करोड़ सी है, तो एक ये स्टार्टअप की तरह है और ये वैल्यूएशंस इसके थोड़े महंगे हैं 356 के पी पे, तो इसलिए अभी हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर इसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ नज़र आती है कि ग्रोथ अच्छे सेल्स ऑर्डर मिल रहे हैं, देन वील रीथिंक ऑन दिस। उसके बाद आता है बैटरी सेगमेंट। देखिए बैटरी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ईवी इंडस्ट्री के लिए, तो सारी ही इंडस्ट्रीज़ इनोवेशन की तरफ काम कर रही हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो जो अमर राजा बैटरीज हैं उसके वैल्यूएशन देखिए बहुत ही सस्ते हैं, वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ते हैं, और जो ROE और ROCE है दोनों ही एक अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट और क्वार्टरली सेल्स कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो अमर राजा बैटरीज इज़ अ बेटर ऑप्शन इफ़ यू हैव टू गो इन बैटरी सेगमेंट फॉर ईवी इंडस्ट्री। अब उसके बाद आती है चार्जिंग स्टेशन। देखिए चार्जिंग स्टेशन, जैसे हमने बोला कि अभी भी इंफ्रा हमारा कैपेबल नहीं है टू टैकल सच अ हाई वॉल्यूम राइज, तो एकदम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बूम आएगा, और इसी की वजह से जो दो कंपनीज हैं, जो टाटा पावर और पावर ग्रिड, ये दोनों ही पावर स्टेशंस के लिए वर्क कर रही हैं और इनके मैनेजमेंट के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्शंस हैं। लेकिन बीइंग पावर ग्रिड अ लिटिल प्रोसेस ओरिएंटेड, क्योंकि गवर्नमेंट PSU एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो टाटा पावर विल बी मोर अग्रेसिव इन देयर स्ट्रेटजीज, और टाटा का ग्रुप है तो वील बी फोकसिंग ऑन टाटा पावर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरिंग स्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। और वैल्यूएशन वाइज देखिए कि 23 का PE multiple है जो कि बहुत ही अच्छा है, और ROE और ROCE दोनों ही एवरेज से हैं, और पैग रेशियो भी इनका अच्छा है, तो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं इन दोनों में। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कॉम्पोनेंट सेक्टर। कॉम्पोनेंट सेक्टर में हमारी 3 कंपनीज हैं, भारत फॉर्ज, सोना BLV, संवर्धन मदरसन। तो इसके अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो संवर्धन मदरसन बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है कंपेयर टू अदर्स दो स्टॉक्स,
और इसका जो इसका क्वार्टरली सेल्स और क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो बहुत ही अच्छा है, और आने वाले टाइम में संवर्धन मदरसन एक बहुत ही क्रूशल अपना बहुत ही क्रूशल सपोर्ट दे सकता है ईवी इंडस्ट्री को, बिकॉज ये जो कंपोनेंट्स बनाते हैं वो हाईली रिक्वायर्ड होते हैं। तो कंपोनेंट सेक्टर में संवर्धन मदरसन बहुत ही अच्छा है एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, और बेस्ड ऑन इट्स एक्सपर्टाइज एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट नज़र आता है फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बसेस की। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक रिसेंटली बहुत ही चर्चा में आई क्योंकि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा ऑर्डर इनको मिला, तो और जैसे जैसे गवर्नमेंट अपनी जो गवर्नमेंट बसेस चलती हैं उनको इलेक्ट्रीफाई की तरफ प्रोग्रेस करेंगे, इन तीनों मार्केट प्लेयर्स को शेयर मिलता रहेगा, जिसमें एक एज है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास। तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास एडवांटेज है, लेकिन इस क्वार्टर में देखें कि इनकी क्वार्टरली सेल्स थोड़ी गिर के आई है, तो जो करंट प्राइस है उसके नीचे हम अगर हमें 1000 रुपये तक के स्टॉक मिलता है तो बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलेगा। तो एक इलेक्ट्रा ग्रीन टेक और दूसरा JBM ऑटो, हालांकि ये थोड़े से महंगे हो चुके हैं क्योंकि चले हैं, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं आने वाले 9 साल के लिए, तो 9 साल में जैसे जैसे इनका मार्केट कैप बढ़ेगा, इनको ऑर्डर्स मिलेंगे, तो इनके अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और इनकी वैल्यूएशन सस्ती होंगी। तो और आखिरी सेक्टर आता है सबसे बड़ा जो आता है इलेक्ट्रिक कार्स। जी हाँ, तो इसमें देखिए दो मेजर प्लेयर्स हैं, टाटा मोटर्स जो आज की डेट में मार्केट को लीड कर रहा है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो वैल्यूएशन वाइज देखिए तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर से वैल्यूएशन पे हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर करंट में बात करें तो टाटा मोटर्स ने 50,000 ईयरली सेल्स करी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ 154% इंक्रीज। तो करंट की रेट में टाटा मोटर्स के पास एज है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन हमने देखा कि महिंद्रा की SUV व्हीकल्स एक बहुत ही अच्छे पाइपलाइन के साथ में अवेलेबल हैं, और जो उनका फ्यूचरिस्टिक प्लान है फॉर 2027 टू लॉन्च 16 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उनकी जो एक बहुत ही फेमस व्हीकल है थार, उसको भी अभी लॉन्च किया है UAE में अगस्त में। तो महिंद्रा का क्योंकि SUV पे बहुत ही अच्छा होल्ड है, तो इन दो टाटा मोटर्स और महिंद्रा दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जो एज जाता है बेस्ड ऑन इट्स मैनेजमेंट और बेस्ड ऑन इट्स SUV होल्ड वो रहेगा हमारा महिंद्रा में। तो महिंद्रा ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, अभी उसकी एक ही व्हीकल मार्केट में लॉन्च हुई है वो है XUV 400, लेकिन आने वाले 3 साल के अंदर 16 नए मॉडल्स लॉन्च होंगे। महिंद्रा का जो मैनेजमेंट है वो हमेशा अपने प्लान्स पे फॉलो करता है और अचीव करता है, हमने देखा है पास्ट में उनके व्हीकल्स में कितनी ज़्यादा वेटिंग थी। तो इस वैल्यू एड की वजह से हमारा जो थोड़ा सा एडिशनल एज रहेगा वो रहेगा महिंद्रा के स्टॉक पे। हमने बात करी कंपोनेंट्स की ईवी सेक्टर में, और हर सेक्टर में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें हमें फोकस करना चाहिए, और देखिए ये हमें क्या करना है अपना पोर्टफोलियो बनाने के बाद उस पोर्टफोलियो को हमें हर 6 महीने में रिव्यू करना है, और हमें देखना है कि जो लास्ट 2 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस रही उन स्टॉक्स की जिसमें इन्वेस्ट किया है वो कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आप नहीं खो सकते हैं मार्केट में रहने के लिए। और हमारा जो विजन है टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस एंड हैव अ करोड़पति पोर्टफोलियो बाय 2030, तो उसमें ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे और वेटेज रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू वॉच मोर सच वीडियोज़ इन द कमिंग टाइम। थैंक यू।